आज हम विद्युत रासायनिक सेल के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। विद्युत रासायनिक सेल वह होता है जो किसी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह सेल रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित होता है। रेडॉक्स अभिक्रियाएं वे होती हैं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं। यह सेल की संरचना है जिसमें दो पात्र होते हैं। पहले पात्र में जिंक सल्फेट का एक मोलरता का विलयन भरा होता है तथा दूसरे पात्र में कॉपर सल्फेट का एक मोलरता का विलयन भरा होता है। इस जिंक सल्फेट वाले विलयन में जिंक की छड़ को डुबोया जाता है, कॉपर सल्फेट वाले विलयन में कॉपर की छड़ को डुबोया जाता है। यह छड़ एनोड का कार्य करती है, कॉपर की छड़ कैथोड का कार्य करती है। यहाँ एनोड पर जो अभिक्रिया होती है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉनों का निकलना, और कैथोड पर जो अभिक्रिया होती है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन मतलब इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण होना। इस विलयन में जिंक सल्फेट Zn2+ और SO4 2- के रूप में उपस्थित होता है। यह दो आयन में से इलेक्ट्रॉन, ये जिंक में से ये दो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये आयन बनता है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन इस छड़ के माध्यम से इस तार के द्वारा कैथोड पर पहुँचते हैं। कैथोड पर ये कॉपर के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, तो ये कॉपर राशि हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉनों का सतत क्रम चलता रहता है। दोनों पात्रों की इलेक्ट्रॉनों को संतुलित रखने के लिए एक लवण सेतु जोड़ा जाता है जिसमें KCl पोटेशियम क्लोराइड का विलयन भरा होता है, जो दोनों विलयनों के अथवा दोनों पात्रों के इलेक्ट्रॉनों को संतुलित रखता है। यह इस विद्युत रासायनिक सेल की क्रियाविधि होती है। इसी सेल का दूसरा नाम गैल्वेनिक सेल भी होता है। धन्यवाद।